नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर कोर्स माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया गोनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के मेथड में क्रिस्टल वॉलेट के स्टेन को लूज कर देते हैं और रेड कलर के काउंटर स्टेन को ले लेते हैं। यह उन बैक्टीरिया की विशेषता है जिनकी सेल वॉल एक पार्टिकुलर सब्सटेंस की थिन लेयर, जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन कहा जाता है, उससे बनी होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक बहुत थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है जो एक इनर सेल मेम्ब्रेन और एक बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन के बीच सैंडविच जैसी होती है। वे अपने सेल एनुलस की विशेषता रखते हैं जो एक इनर साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन और एक बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन के बीच सैंडविच की पतली पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल से बने होते हैं। अब अपन बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन करेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करते हैं जिनमें एक इनर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक जो कि होती है, एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपोलीसेक्राइड जिसमें लिपिड ए, कोर पोलीसेक्राइड और ओ एंटीजन होते हैं, इसके आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट में फॉस्फोलिपिड होते हैं, पोरिंस आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए पोर्स की तरह काम करते हैं। लिपोप्रोटीन पॉलीसेक्राइड बैकबोन से अटैच होते हैं। कुछ मेम्ब्रेन का लिपोप्रोटीन होता है जो आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन चेन के बीच एक बॉन्ड के रूप में कार्य करता है। अधिकांश बहुत कम अपवादों के साथ स्पोर नहीं बनाते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव ए वेरी थिन लेयर इज, तो इसका सही आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी कि ऑप्शन बी। अब अपन बात करते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया के बारे में। मेडिकली रिलेवेंट ग्राम नेगेटिव कोकाई में फोर टाइप शामिल है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का कारण बनते हैं, जिसमें नाइजीरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसमें मोरक्सेला, कैथरलिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा शामिल है। अब अपन बात करते हैं नाइजीरिया के बारे में। जीनस नाइजीरिया ग्राम नेगेटिव एरोब्स ऑक्सीडेव पॉजिटिव नॉन मोटाइल डिप्लोकोकाई यानी पेयर्स में अरेंज होते हैं। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस या नाइजीरिया गोनेरिया टू पैथोजेनिक स्पीज होती है। सबसे पहले बात करते हैं नाइजीरिया मेनिनजाइटिस या मेनिंगोकोकस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अपन देखते हैं। ये ग्राम नेगेटिव स्पेरिकल और ओवल कोकाई है। आकार में 0.6 टू 0.8 माइक्रोमीटर एडजेक्शन साइड के साथ पेयर्स में फ्लैट हुआ होता है। वे नॉन मोटाइल होते हैं। कोकाई आमतौर पर इंट्रा सेलुलर होते हैं। इस डायग्राम में नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं इसके कल्चर्स के बारे में। तो ग्रोथ ब्लड या सीरम में एनएचडी मीडिया पर होती है। आमतौर पर ब्लड अगार, चॉकलेट अगार और म्यूलर स्टन अगार का इस्तेमाल मीडिया के तौर पर किया जाता है। थायरमार्टिन मीडिया एंटीबायोटिक्स के साथ वेनकोमाइसिन और नेंस्टीन मॉडिफाइड थायरमार्टिन कंटेंट होता है। मार्टिन लेवियस मीडियम और न्यूयॉर्क सिटी मीडियम अपने आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन मीडिया का उपयोग नाइजीरिया गोनोरिया के ग्रो के लिए किया जा सकता है। ये स्ट्रिक्ट या सख्त एरोब्स होते हैं। ये 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक मॉइस्ट एनवायरमेंट ग्रोथ के लिए होना चाहिए। ग्रोथ का ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉलिड मीडिया पर कॉलोनी स्मॉल डायमीटर में 1 मिलीमीटर गोल कॉन्वेक्स ग्रे ट्रांसलूसेंट और पूरे किनारे या एंटायर एज के साथ होते हैं। लिक्विड मीडियम में यह ग्रेनुलर टर्बिडिटी पैदा करते हैं। इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यह नाइजीरिया मेनिनजाइटिस कैटलाइज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ग्लूकोज और माल्टोज एसिड प्रोडक्शन से फर्मेंट होते हैं लेकिन कोई गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। गोनोकोकाई ग्लूकोज को फर्मेंट करता है लेकिन माल्टोज को नहीं करता है।
एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइजीरियन मेनिनजाइटिस को कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड की इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिटी के बेसिस पर 12 सीरो ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। ये सीरो ग्रुप ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू 135 29 ई एच आई के और एल है। सिक्स ग्रुप जिसमें ए बी सी 29 ई डब्ल्यू 135 और वाई है लार्ज मेनिनजाइटिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके डिजीज के बारे में। तो ये टू टाइप की डिजीज प्रोड्यूस करता है, एक तो पायोजेनिक मेनिनजाइटिस और एक करता है मेनिंजोकोकेमिया। अब इसके लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं अपन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेसिस पर निम्नलिखित स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं जिनमें सीएसएफ, ब्लड, पेटेचियल रीजन स्पेसिमेन, नेजोफेरेंजियल स्वैब स्पेशली कैरीज को डिटेक्ट करने का काम आता है। कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो स्पेसिमेन का कलेक्शन सीएसएफ के लिए लंबर पंचर द्वारा और ब्लड के लिए वेनो पंचर द्वारा स्टराइल कंडीशन में किया जाता है। स्टेरल स्वैब का यूज़ करके नेजोफेरेंजियल स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। सभी स्पेसिमेन को इमिडिएटली ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। नेजोफेरेंजियल स्वैब को ट्रांसपोर्ट मीडियम में तब तक रखा जाना चाहिए तब तक कि यह कल्चर के मीडियम पर इनोकुलेटेड ना हो। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एंड एंटीजन डिटेक्शन की बात करें तो इसमें सीएसएफ को थ्री पोर्शन में डिवाइडेड किया गया है। वन पोर्शन सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और ग्राम स्टेनिंग के लिए डिपॉजिट से स्मेयर प्रिपेयर किया जाता है। मेनिंगोकोकाई को इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई के रूप में देखा जाता है। लार्ज नंबर में पस सेल्स भी देखी जाती है। सुपरिंटेंडेंट फ्लूड का उपयोग रैपिड टेस्ट द्वारा मेनिंगोकोकल एंटीसेक्रेड का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के काउंटर करंट इम्यूनोलैक्टोफोरेसिस या सीआईईपी कोग्लुटिनेशन या लैक्टोज एग्लुटिनेशन टेस्ट एंटीजन डिटेक्शन उपयोगी होता है जब ऑर्गेनिज्म की जांच होती है। सीएसएफ का सेकेंड पोर्शन इक्वल वॉल्यूम में ऐड करने के बाद इन्यूकुलेट किया जाता है। सीएसएफ का सेकेंड पोर्शन ग्लूकोज ग्रोथ के इक्वल वॉल्यूम में जोड़ने और फिर ब्लड अगार या चॉकलेट अगार पर सब कल्चर होने के बाद इन्यूकुलेट किया जाता है। सीएसएफ के थर्ड पोर्शन की कल्चर कभी कभी सफल हो सकती है जबकि डायरेक्ट कल्चर विफल हो जाती है। इसके कल्चर्स की बात करें तो इसमें सीएसएफ सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट ब्लड अगार और चॉकलेट अगार पर इनोकुलेट किया जाता है। प्लेट 5-10% कार्बन डाइऑक्साइड के तहत 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनक्यूबेट किया जाता है। कॉलोनीज 18-24 आवर्स के बाद दिखाई देती है। इनकी पहचान कॉलोनीज से होती है। कॉलोनीज 18-24 आवर्स के बाद दिखाई देती है। ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। मेनिंगोकोकेमिया और मेनिनजाइटिस के शुरुआत मामलों में ब्लड कल्चर अक्सर पॉजिटिव होता है। डेली सब कल्चर के साथ ब्लड कल्चर को 4-7 डेज के लिए इनक्यूबेट किया जाना चाहिए। अदर स्पेसिमेंस की बात करें तो इसमें अदर स्पेसिमेन पेटेशियल लीजन्स, नेजोफेरेंजियल स्वैब, ब्लड अगार और चॉकलेट अगार पर इनक्यूबेट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो सॉलिड मीडिया पर कॉलोनी स्मॉल 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, राउंड, कॉन्वेक्स, ग्रे, ट्रांसलूसेंट और पूरे किनारों या एंटायर एज के साथ होते हैं। स्मेयर को पेड कॉलोनी से प्रिपेयर किया जाता है और ग्राम स्टेनिंग की जाती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इसमें ये कैटलाइज पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, ग्लूकोज नेगेटिव होता है, माल्टोज नेगेटिव होता है। अब अपन बात करते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन के बारे में। ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट स्लाइड एग्लूटेशन को स्पेसिफिक एंटीसेरा के साथ किया जा सकता है। स्लाइड एग्लूटिनेशन सीएसएफ या ब्लड में मेनिंगोकोकल डीएनए को एम्पलीफाइड किया जा सकता है और फिर पता लगाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मेनिंगोकोकल पेनिसिलिन के प्रति समान रूप से सेंसिटिव है। इम्यूनो प्रोफाइल एक्सेस की बात करें तो मेनिंगोकोकल वैक्सीन सीरो ग्रुप ए सी डब्ल्यू 135 और वाई के पॉलीसेक्रेट से तैयार किए गए हैं। सिंगल डोज इंट्रा मस्कुलर रूप से दिया जाता है। प्रोटेक्शन ग्रुप स्पेसिफिक है और कम से कम 3 साल तक रहता है। आइए इसी से जुड़े अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ नाइजीरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया? तो इसके ऑप्शन है ओवल, स्पेरिकल, फ्लैट या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ओवल और स्पेरिकल। अब अपन बात करते हैं नाइजीरिया गोनेरिया के बारे में। नाइजीरिया गोनेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनेरिया का कॉजेज बनता है।
इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव ओवल कोकाई है जो पेयर्स या डिप्लोकोकाई में अरेंज होते हैं। आसपास के किनारे कॉनकेव, पियर और बीन शेप्ड के साथ होते हैं। माइक्रोस्कोप पे देखने पर नाइजीरिया गोनेरिया ऐसा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इसके कल्चर्स के बारे में, तो यह ऑर्गेनिज्म नाइजीरिया मेनिनजाइटिस की तुलना में अधिक डिफिकल्ट है। यह एरोबिक है लेकिन साथ ही एनारोबिकली भी बढ़ सकता है। यह 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर सबसे अच्छा ग्रो करते हैं। उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए चॉकलेट अगार जैसे एंडोसिडी मीडिया की आवश्यकता होती है। एक पॉपुलर सेलेक्टिव मीडिया थायर मार्टिन मीडिया, जिसमें एंटीबायोटिक्स जैसे वेंकोमाइसिन, कोलिस्टीन, निस्टेटिन और ट्राइमेथोप्रिन होते हैं। ट्राइमेथोप्रिन को थायर मार्टिन मीडिया में जोड़ा जाता है ताकि प्रोटीएस स्पीसीज के झुंड को रोका जा सके। इस माध्यम को संशोधित थायर मार्टिन मीडिया के रूप में भी जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बारे में। कॉलोनीज फाइनली ग्रेनुलर सरफेस के साथ स्मॉल राउंड ग्रे ट्रांसलूशेंट कॉन्वेक्स होती है। इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यह ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, ग्लूकोज को फर्मेंट करता है एसिड प्रोडक्शन के साथ, माल्टोज नेगेटिव होता है। इसके डिजीज की बात करें तो यह गोनेरिया, ऑप्थेल्मिया, नियोलेट्रम, गोनोकोकल वुल्वोवेजेनाइटिस, गोनोकोकल बैक्टीरियासीमिया, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करता है। अब अपन बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस आसानी से एक्यूट स्टेज में किया जाता है क्योंकि यूरेथ्रल डिस्चार्ज में लार्ज नंबर में गोनोकोकाई होते हैं। क्रोनिक केसेस या अर्थराइटिस जैसे मेटास्टेटिक लीजन के पेशेंट से गोनोकोकाई का पता लगाना मुश्किल होता है। स्पेसिमेंस की बात करें तो इसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज फीमेल्स में, एक्जुडेट आफ्टर प्रोस्टेट मसाज इन क्रोनिक यूरेथ्राइटिस में, यूरिन का सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट जब कोई यूरेथ्रल डिस्चार्ज अवेलेबल नहीं हो लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। सभी स्पेसिमेन को इमिडिएटली ट्रांसपोर्ट और प्रोसेस किया जाना चाहिए। यदि यह पॉसिबल नहीं है तो स्पेसिमेन को चारकोल कोटेड स्वैब के साथ कलेक्ट किया जाना चाहिए और स्टूअर्ड मीडिया में लैब में पहुंचाया जाना चाहिए। एक अन्य ट्रांसपोर्ट मीडिया चारकोल के साथ अमीन्स मीडियम है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें के ग्राम स्टेनिंग हो जाना ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई को दर्शाता है। प्रतिदीप्ति एंटीबॉडी टेस्ट विशेष रूप से फीमेल में माइक्रोस्कोप द्वारा डायग्नोसिस के लिए अधिक सेंसिटिव और स्पेसिफिक मेथड है। डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो क्लिनिकल स्पेसिमेन में एलाइजा द्वारा गोनोकोकल एंटीजन का डिटेक्ट किया जा सकता है। डीएनए एग्जामिनेशन का यूज करके यूरेथ्रल डिस्चार्ज में सीधे न्यूक्लिक एसिड का पता लगाया जा सकता है। चॉकलेट अगार का उपयोग किया जाता है और 48 आवर्स के लिए 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड के तहत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपयोग किया जाता है। सिलेक्टिव मीडिया जैसे थायर मार्टिन मीडिया का भी उपयोग किया जा सकता है। कल्चर मीडिया पर ट्रिपिकल ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज अपीयर होती है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो सॉलिड मीडिया पर कॉलोनीज स्मॉल राउंड ग्रे ट्रांसलूसेंट होते हैं, बारीक दाने वाली सतह के साथ उत्तल होते हैं। कॉलोनीज से स्मेयर बनाया जाता है और ग्राम स्टेनिंग की जाती है। अपन बात करें इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में तो यह ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, ग्लूकोज को फर्मेंट करता है एसिड प्रोडक्शन के साथ और माल्टोज नेगेटिव होता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। गोनेरिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो इसका सही आंसर होगा नाइजीरिया गोनेरिया, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।